श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम तुम साथ हो जो मेरे। किस बात की कमी है? तो मन में ये सवाल उठता है कि हम कहे किसको रहे कि तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तो यहां जब हम कहते हैं कि तुम साथ हो जो मेरे, यहां तुम से मतलब कृष्ण है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। और यदि यह हमारा विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ है, तो भगवत गीता में युद्ध आरंभ होने से पहले, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ, एक तीर बाण अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं चला है, और उससे पहले संजय ने ये भविष्यवाणी कर दी। भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक, ये भविष्यवाणी कर दी, यत्रो योगेश्वर कृष्ण, ये भविष्यवाणी हो गई, यत्रो योगेश्वर कृष्ण। जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां क्या क्या है जी? क्या क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी ऐश्वर्य, विजय मतलब विक्ट्री जीत, अलौकिक शक्तियां, ऐसे मेरा मत है। कौन कह रहा है? संजय ये पहले कर दिया, अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, लेकिन संजय ने कह दिया कि जीत वहां है जहां कृष्ण है, श्री वहां है जहां कृष्ण है। श्री मतलब लक्ष्मी, भाग्य, वाहवाई, ऐश्वर्य, कहां है? जहां कृष्ण है। जहां कृष्ण, अब कृष्ण कहां है? अब ये सब तो कहां है जहां कृष्ण? क्या क्या है? लक्ष्मी, ऐश्वर्य, श्री, भाग्य मतलब सौभाग्य, श्रीमती मतलब सौभाग्यवती, नीति मतलब सारे ही सौभाग्य, सारी नीतियां, नीति मतलब प्लानिंग, राजनीति मतलब एक सोच, नीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये सब का सब कहां है? जहां जहां कृष्ण है। जीत विक्ट्री, सौभाग्य, ऐश्वर्य,
श्री वैभव, विजय, नीति जी, जी एथिक एंड पॉलिसी, यस नीति, ये सब की सब कहा है? जहां कृष्ण। अब कृष्ण कहां है? ये सब तो वहां जहां कृष्ण। अब कृष्ण कहां है? यत्रो योगेश्वर कृष्ण। अब यहां एक बात समझने की कि कृष्ण के साथ योगेश्वर ही क्यों जोड़ दिया? भगवान के तो अनेकों अनेक नाम है, लेकिन यहां संजय को भगवद गीता के ये अंतिम श्लोक में जो 78वां श्लोक है, यहां योगेश्वर जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? योगी मतलब जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। तो यहां हम देखते हैं शास्त्रों में कैसे कई योगी हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, पानी पे चलने लगते हैं, नाना प्रकार के जो अलौकिक शक्तियां, जो मिरेकल, जो चमत्कार कर सकते हैं, जिसके पास इतनी सिद्धियां हो, योग सिद्धियां। लेकिन कृष्ण योगी नहीं है, कृष्ण तो योगियों का भी ईश्वर। मतलब कृष्ण जहां है वहां सारे चमत्कार है, मिरेकल है, सारे चमत्कार है, सारे मिरेकल वही है जहां पर कृष्ण है, क्योंकि वो योगियों का भी ईश्वर, योगेश्वर है, अर्थात वह हर चीज संभव है, असंभव कुछ नहीं, कुछ नहीं असंभव है। जहां कृष्ण है वहां समय से पहले सूर्य डूब भी सकता है। हुआ कहां? हुआ कहां पर? जयद्रथ कुमार गया सूरज, ये कितना बड़ा योग शक्ति है भगवान की। लेकिन समय से पहले सूर्य डूब गया, अब इससे बड़ी क्या योग शक्ति हो सकती है? क्योंकि वो कौन है? योगेश्वर है। तो जहां कृष्ण है वहां श्री विजय, ऐश्वर्य, नीति, सौभाग्य, ये सब है। और कृष्ण क्योंकि योगेश्वर है इसलिए सारे चमत्कार संभव है, सारे आश्रय संभव है। अब कृष्ण कहाँ है? देखना यह है कि कृष्ण कहाँ है। तो हम महाभारत को ही देखते हैं। जब हम देखते हैं कि महाभारत में लाखों 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 लोग थे महाभारत में, और एक से एक योद्धा लड़ने वाला, लेकिन इन सभों में कृष्ण को एक कोई चुनना था। तो अब उसमें तो असंख्य रथ, घोड़े, हाथी, लाखों लोग, अब यहां कृष्ण को कहां ढूंढना? तो पता कैसे चलेगा कृष्ण कहां? कृष्ण कहां है पता कैसे चले? तो भगवद गीता के पहले अध्याय में आया है कि जिसके रथ पर ध्वजा में हनुमान का चिन्ह है, दूर से जब एक ध्वज लहराता हुआ दिखता और जिस पे कौन? हनुमान, समझते कृष्ण यहां है। अर्थात यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो
पार्थ धनुर्धर जहां उसका भक्त है, जहां उसका भक्त है, तो दूर से पता पड़ता हनुमान जी, ओ यहां कृष्ण है। जहां भक्त है पार्थ धनुर्धर अर्थात अर्जुन, अर्जुन कृष्ण का सखा भी है, अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है, अर्जुन कृष्ण से कोई द्वेष नहीं करता, अर्जुन का कृष्ण से कोई जेलसी नहीं है, अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण पे आधारित है, निर्भर है, पूरी तरह से कृष्ण पे विश्वास है उसका। यह है भक्त के लक्षण। और अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से पहले आके बैठ गए, अर्जुन के अपने पीछे बिठाया और खुद अर्जुन के आगे बैठ गए, ताकि सब कुछ कृष्ण सह ले, अर्जुन पे कोई आंच ना आए। जहां भक्त है वहां भगवान है। भगवान कभी दुष्ट के पास नहीं जा सकता, भगवान हमेशा भक्त के पास जाएगा। और आप विश्वास करो इस बात पे पूरी तरह से कि कृष्ण आप सबों के पास है। आप इस बात को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। जितना कृष्ण अर्जुन के पास उतना ही कृष्ण आपके पास। अभी प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, अभी प्रमाण दे रहा हूं आपको। कृष्ण अर्जुन के पास किस रूप में था, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, जिसको पता है, ये आवाजें नहीं आनी चाहिए मुझे। कृष्ण अर्जुन के पास किस रूप में था जी, जी जी सारथी के रूप में था। किस रूप में था? सारथी के रूप में। इसलिए कृष्ण का नाम पार्थ सारथी है। कृष्ण अर्जुन के पास किस रूप में था? सारथी के रूप में। अर्थात वहां अर्जुन को इस रूप की जरूरत थी, वहां कृष्ण महारथी के रूप में नहीं था बल्कि सारथी के रूप में था, मतलब ड्राइवर के रूप में, साधारण भाषा में कहो तो, अर्थात रथ चलाने वाले के रूप में था। ठीक है, क्योंकि वहां अर्जुन को इस रूप की थी, इसलिए वो ऐसा बन गया। आप देखेंगे कि कृष्ण के हाथ में उस समय बंसी नहीं है, बल्कि उस समय कृष्ण के हाथ में शंख है। और जब शंख की बारी चली गई तब अर्जुन के हाथ में, कृष्ण के हाथ में लगाम है। किसकी? घोड़ों की। ये इस बात का संकेत है कि कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि यदि तुमने
अपने जीवन का सारा भार मुझे सौंप दिया है, तो इतना पक्का विश्वास रखना कि तुम निश्चित होकर अपने जीवन का युद्ध लड़ो, बाकी सारा संभालना मेरे हाथ में, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? रथ चलाना नहीं, युद्ध करना है। मुसीबत यह है कि हम युद्ध करने के बजाय रथ चलाने लग गए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें जो करना है वो हम नहीं करते। बल्कि जो भगवान को करना है वो हम करने लग जाते हैं। याद रखना, हम इंसान हैं, इंसानी बन के रहे तो बेहतर है, भगवान बनने की कोशिश न करें। अब सौंप दिया है ये जीवन, आप विश्वास करो, यदि आपने कृष्ण को आगे रखा है, आप अपने हर संघर्ष में सफल होंगे। जो असंभव है वो भी संभव होगा, बस इतना कर लो, प्लीज इतना कर लो, कृष्ण पे भरोसा रखो, इतना करो। और आप जो भी कर रहे हो वो करो, लेकिन यदि उस करने में, क्या बोला, उस करने में कृष्ण को रखा है, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। ये गीता कह रही है। आप अपना हार्ड वर्क करो, पूरी मेहनत से, शर्त यह है कि उस मेहनत में कष्ट को रखो। अगर आप पढ़ते हो तो उस पढ़ाई में कष्ट को रखो। अगर आप नौकरी धंधा बिजनेस कुछ भी करते हो उसमें कष्ट को रखो। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि गीता कह रही यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है। मेरे गुरु महाराज हमेशा सिखाते थे ट्रस्ट कृष्ण, असंभव भी संभव हो जाएगा, जो ना होने वाला है वो हो जाएगा, जो नहीं होने वाला है वो हो जाएगा। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, असंभव जो दुनिया के लिए असंभव है वो कृष्ण के लिए संभव है, क्योंकि वो कौन है, योगेश्वर है, यत्रो योगेश्वर कृष्ण। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, अब किसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं पांडवों का नाश कर दूंगा? भीष्म पिता, क्योंकि पितामह भीष्म को सब ताने देते थे कि तुम हो हमारी तरफ लेकिन साइड तो पांडवों की लेते हो, करते क्यों थी कुछ। तो अंत में पितामह भीष्म को इन सबों की बात का जवाब देने के लिए कहना पड़ गया कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल शाम के सूरज ढलने से पहले पहले मैं पांडवों की मृत्यु कर दूंगा। ये बात पूरी पांडव और कौरवों की सेना में
फैल गई, आग की तरह फैल गई। क्योंकि जब किसी का बुरा होने वाला होता है वो खबर आग की तरह फैल जाती है। जब किसी के लिए कोई नेगेटिविटी होती है वो न्यूज रातों रात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लेकिन जब किसी के लिए कुछ अच्छा हो, पता नहीं वो बात कहीं तक पहुंच क्यों नहीं पाती है। जब किसी ने कुछ बुरा किया हो तो अगर एक नंबर में बुरा किया है, पांच नंबर में, पांच सेकंड में बात फैलेगी। लेकिन जब उसने कुछ अच्छा किया हो, पांच दिनों में भी बात कहीं नहीं फैलेगी। तो जब ये बात फैल गई कि पितामह भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा, ये बात सेकंड में फैल गई, क्षण में फैल गई, और कौरवों में हर्ष उल्लास हो गया। याद रखना, भगवान दुष्टों को ज्यादा देर खुश होने देता नहीं है, याद रखना। वो खुश तो होते हैं, वो खुश तो, लेकिन ज्यादा टाइम उनकी खुशी चलती नहीं है। क्योंकि कृष्ण को ये पसंद नहीं है कि उसके भक्त पे कोई हंसे, कृष्ण को ये पसंद नहीं है कि उसके भक्त की कोई हंसी करे, बिल्कुल नहीं पसंद। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देगा, संभव नहीं है कि कृष्ण ये बर्दाश्त, जिसे एक पिता अपने पुत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक पति अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, या एक सती स्त्री अपने पति का सर झुकने कभी देती नहीं है, ऐसे ईश्वर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता। अब पांचों पांडव के पास भी ये समाचार पहुंच गए और उनको पता था कि पितामह भीष्म अगर करे तो कर सकते, ये संभव है उनके लिए। तो पांचों के मुंह थोड़े लटक गए। कृष्ण पांडवों के शिविर में रात को आए और देखा कि पांचों पांडव ऐसे उदास बैठे हैं। ऐसे चुपचाप बैठे। कृष्ण ने बोला, क्या बात है, तुम सबों की शक्लें ऐसे उतर क्यों गई है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान, इतने निराश, इतने डिप्रेशन में, स्ट्रेस में क्यों दिख रहे हो, आज की भाषा बोलो तो क्या हो गया, तुम लोग की शक्लें ऐसी क्यों हो गई। युधिष्ठिर ने बोला, आपने सुना नहीं क्या। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, आपने सुना तो सही कि भीष्म पितामह की क्या है कि कल शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो हमारी मृत्यु कर देंगे। कृष्ण को हंसी आ गई, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु और जिंदगी तो दोनों मेरे हाथ में है। एक बात बताऊं, टाइम हो गया, ये कथा कल करूंगा क्योंकि आज समय पूरा होगा। एक बात सुन लो, खाली हम जब रात को सो जाते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बोलो है या नहीं, बोलो, कोई बोली नहीं। रात को जब हम सो जाते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि रात को नींद आना एक स्वाभाविक बात है और सब सो जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं और नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है,
ये एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब सुबह उठें तो ये कृष्ण की कृपा है। क्योंकि नींद आ गई रात को, ये तो नेचुरल है कि सो गए, लेकिन सुबह अगर उठ गए तो ये कृष्ण की कृपा है कि एक जिंदगी का दिन और बख्शीश में मिला। पता है, इसलिए सोचना कि रात को अगर सो गए तो ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन सुबह उठ गए ये कृष्ण की कृपा है। इसलिए उठते ही ना धन्यवाद कृष्ण, एक दिन और मिला आपके गुण गाने के लिए, एक दिन और मिला आपके दर्शन करने के लिए, एक दिन और मिला आपकी सेवा करने के लिए, एक दिन और मिला आपका श्रृंगार करने के लिए, एक दिन और मिला आपकी ओर चलने के लिए। जय जगन्नाथ। समझे, इसलिए रात को सो गए, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सुबह उठ गए समझ लेना कृष्ण की कृपा है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि नींद तो अबे भाई गोली से भी आ जाती, नींद तो गोली से भी आ जाती, आंख खुलती है आप बंद तो गोली से भी आ जाती है, लेकिन जब आप खुले हैं ना तो ये कृपा होती है। तो हम सबों की सुबह में आंख खुलती है, मतलब हम जिंदा है और जिंदगी देने वाला मेरा हरि है। जिंदगी देने वाले सुन बोल, मतलब है? आगे तो बोलो ना, फिर नहीं नहीं मेरा नहीं भरा, मेरा बिल्कुल नहीं भरा, मेरा दिल क्यों भरेगा? अभी तो मुझे मेरा दिल भरता ही नहीं, मैं रोज कथा करूं फिर भी ऐसी मेरा दिल भरता ही नहीं। जिंदगी देने वाले सुन तेरा शुक्रिया, बोलो तेरा शुक्रिया। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन समय बिहारी, जय जय।